आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गढ़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पुलिस यादगारी दिन की परेड में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डीसी को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरगर्मियां तेज करने की हिदायत जारी की। अटल डुल्लू ने स्कॉस्ट जम्मू में मौसमियाती तब्दीली पर दो रोजा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आमद पुलिस कॉम्प्लेक्स जीवन श्रीनगर में पुलिस यादगारी दिन की परेड में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शोधा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोधा को खराज अकीदत पेश किया। मौजूदा मौसमियाती तब्दीली के मंजरनामे और उसके पैदा होने वाले खतरात के मौजू पर एक दो रोजा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज आज स्कॉस्ट जम्मू में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल दिल्लू के जरिए रस्मी इफ्तिताह के साथ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का आगाज महिमा रिसर्च फाउंडेशन ने महकमा समाजी बहबूद और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के इश्तराक से किया था। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज तमाम डिप्टी कमिश्नरों पर जोर दिया कि वो आजादी का अमृत महोत्सव के पैन नेशन प्रोग्राम के तहत अपनी सरगर्मियां तेज करें। मीटिंग में दोनों डिविजनल कमिश्नर्स, कमिश्नर सेक्रेटरी, कल्चर डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने जिस्मानी तौर पर या वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। 603वें सालाना उर्स शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैहि की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी और जिला इंतजामिया बडगाम की सरबराही में सालाना खिलाफ बंदी की मजलिस मुनक्किद हुई। हजारों जायरों ने तकरीब में शमूलियत की। वक्फ बोर्ड ने करीब 200 साल से कायम मकामी रिवायत के बरक्स तकरीब मुनक्किद की। अवामी सतह पर इक्तदाम की सराहना की गयी। दरगाह शेखुल आलम के गुर्दोपेश मौजूद इहाते को खूबसूरती से सजाने के लिए हंगामे बुनियाद पर तामीरी अमल शुरू करने पर जोर दिया गया। वज़ीरे की मकामी रिवायत के मुताबिक बरकत शरीफ की गिलाफ बंदी के मौके पर यह मजलिस बाद नमाज जहर अदा की जाती है, मगर इस मरतबा मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने एक तो तमाम 11 बरकतों पर अज खुद चादरें डाली, दूसरा ये कि पूरी तकरीब वक्फ बोर्ड की निगरानी में निहायत शानदार तरीके से मुनक्किद की गयी, जिसकी आम लोगों ने तारीफें की। आइए देखते हैं जार शरीफ से शेर शेरा की ये रिपोर्ट। हुई थी, हम तो बारिश को रहमत का वो जरिया मानते हैं जी, लेकिन आज यहाँ पोशाक बंदी थी। अल्लाह ने जिस तरह से अपने नूर का जलवा यहाँ दिखाया है, तो हमारे पूरे कश्मीर में वही नूर का जलवा फिर से आ जाए। जो ये रूहानी बुजुर्ग हमारे कश्मीर में हैं, इन वलियों की मैसेज हमेशा रही है इंसानियत, अमन, मोहब्बत, और इस्लाम का एक पहला ही वर्ड है कि अमन और भाईचारा। और जो ये हमारे वली उल्ला यहाँ पर हैं और शेखुल आलम खासकर, जिनको हम पूरे कश्मीर का अलमदार कहते हैं, कश्मीर अल्लाह ने इनको वो जरिया दिया है जहाँ पे हम आएंगे। रूहानियत है यहाँ पर, इल्म का मंबा रहे हैं, और यहाँ पे पूरे आलम से लोग आते हैं, ना कि सिर्फ कश्मीर से लोग आते हैं। आज हम ये सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं पूरे दुनिया को, पूरे अपने हिंदुस्तान को, कि अलमदारे कश्मीर शेख रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्से मुबारक है वो पूर्वकार तकरीब आज से शुरू हो गई। आज पोशाक बंदी थी, हम इसको अपना बादशाह मानते हैं, और बादशाह की पोशाक बंदी हो गई, और इंशाअल्लाह उर्से मुबारक हम जेके वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी का शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि के मजार पर पोशाक बंदी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बराह रास्त बातचीत। आइए देखते हैं बुरहान नजीर के साथ। पहले मैं आप सब दोस्तों का, आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप सुबह से ही यहाँ पर हैं और हमारे साथ साथ आज अलमदारे कश्मीर रहमतुल्लाह अलैहि की तकरीब में
जो तकरीब सईद यहाँ पे हो रही है पोशाक बंदी की, उसमें आप सारे यहाँ के लोग, यहाँ का मीडिया, यहाँ की सिक्योरिटी सारे शामिल है। मैं सबको खूब शुक्रिया अदा करूँ और मुबारकबाद दूंगी आपके जरिए से तमाम कश्मीरियों को, तमाम अपने लोगों को, कि आज हम ये सआदत वाली तकरीब जो है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील होने के बाद जो ये सआदत वक्फ बोर्ड को मिली, आज पहला उर्से मुबारक हमारे जब से वक्फ तश्कील हुआ है, वक्फ बोर्ड नए सिरे से तश्कील हुआ है, उसके ज़ेरे एहतिमाम आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारे लिए सआदत है, ये हमारे लिए प्रोग्राम नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है कि हमारे हिस्से में जो हम वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, वक्फ बोर्ड के मुलाजिम हैं, हमारे हिस्से में ये तकरीब आई, अल्लाह ने हमें ये मौका फराहम किया, इसके लिए हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सोपुर में मुनक़िदा पुलिस यादगारी दिन 2022 के मौके पर अपने फराइज की अंजामदही में पुलिस की कुर्बानियों को निहायत अकीदत के साथ मनाया गया। एसएसपी सोपुर शबीर नवाब ने मुल्क की पुलिस के तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश किया और भारी दिल के साथ 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत के तहत आज जिला कुपवाड़ा में खसूसी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। डीएलएसए के चेयरमैन तस्लीम आरिफ की तरफ से मजमुई तौर पर 846 मुख्तलिफ नवियत के मुकदमात बशमूल अज़दवाजी, रख रखाव, घरेलू तशद्दुद, रकम या कर्ज की वसूली के लिए कुल 8 बेंच तश्कील दिए गए थे। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डियोफोडे सागर दत्तात्रेय ने आज मुतलका अफसरान की मीटिंग तलब की, जिसमें जिला में मौसम सरमा की तैयारियों और बर्फ साफ करने की तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने जिला के सरहदी और बर्फबारी वाले इलाकों में अशियाई जरूरिया के स्टॉक और सप्लाई की पोजिशन का भी जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक सरहदी जिला कुपवाड़ा में आज एक मछली फरोश मेन बस स्टैंड में गंदे पानी में मछलियों को रखकर लोगों को बेच रहा था। हमारे नुमाइंदे ने मछली फरोश का ये कारनामा अपने कैमरे में कैद कर लिया। महकमा फिशरीज के इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने अपनी टीम के हमरा मछली फरोश के खिलाफ कार्रवाई करके गंदे पानी के मछलियों को नाले में फेंक कर जाया किया और मछली फरोश को 2000 रुपया जुर्माना भी किया गया। अवाम ने मजकूरा महकमा फिशरीज की इस कार्रवाई को सराहा। हमारे नुमाइंदे काउंसलर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलिस कुलगाम ने डीपीएल कुलगाम में यौम यादगारी मनाया और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। अपने फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर पुलिस एहलकारों की याद में शहदा को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए पुलिस यादगारी परेड का इनेकाद किया गया और शहदा की खिदमत में अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने वालों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी किसान मोर्चा ने आज शुमाली कश्मीर के बांदीपोरा जिला के सुंबल इलाके में कारकुनों की मीटिंग का एहतमाम किया। इजलास जिली सदर किसान मोर्चा अब्दुल रशीद खान की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बांदीपोरा इलाके के बालाई इलाकों में वाका गांव सिकंदरपुरा नेहरू के रिहायशियों का कहना है कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकीनों का कहना था कि इलाके में सड़कों, बिजली और तिबी सहूलियात जैसी तमाम बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसके लिए उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतलका महकमों से अपील की, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक गौर नहीं किया गया। सिकंदरपुरा नूरी के मकामी लोगों ने डीसी बांदीपोरा और जिला इंतजामिया बांदीपोरा से अपील की है कि वो
मामले को देखें और इन शिकायत का अजाला करें। कुल नहीं है मेडिकल यहाँ पे वंटर में बिल्कुल फेंक फलल एरिया है। पेशेंट जब वहाँ बीमार पड़ता है ना यहाँ से कुछ ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम तहसील तिलेल से कटाव रहते हैं 6 महीने। बोरा नीरू गांव है जो 2022 में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गवर्नमेंट के बुलंद दावे हैं, जम्मू कश्मीर हुकूमत के भी बुलंद दावे हैं कि हम हर जगह तरक्की करा रहे हैं या इलाके में तरक्की हुई है, लेकिन यहाँ आकर ये मालूम होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक स्कूल की बिल्डिंगों का हाल देख लिया हमने, पीने का पानी का हाल, बिजली की सहूलियात, इन सब चीज़ों से इलाके के लोगों को महरूम रखा गया है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने इलाकों से आप भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फीडबैक भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब्बा खैर।